back to my channel DG Paathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, प्लस इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में पीएच के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मान के चलिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है, अब कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है वो हम सिंपल इंडिकेटर्स यूज करके पता लगा सकते हैं। बट अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या फिर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो दो आयंस में ब्रेक होता है ना, एक होता है H पॉजिटिव आयन और एक होता है OH नेगेटिव आयन। जो H पॉजिटिव आयन होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। अब गाइस, हाइड्रोनियम आयन की जगह अगर हम हाइड्रोजन आयन मेंशन कर रहे हैं तो भी वो गलत नहीं होगा, आप चाहो तो हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो हाइड्रोजन आयन भी मेंशन कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम हाइड्रोजन आयन मेंशन करते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्लियर? तो गाइस, गलत नहीं होगा अगर आप दोनों में से कुछ भी यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे H पॉजिटिव आयन यूज कर रही हूँ, दैट इज हाइड्रोजन आयन। तो गाइस, अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर, तो गाइस जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा कि जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इस वाटर में जितने H पॉजिटिव हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो इन दोनों आयन्स में ब्रेक होते हैं, क्लियर? तो कोई भी अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो उस एक्वा सॉल्यूशन में ये दोनों आयन्स ही प्रेजेंट होंगे। तो अगर प्योर वाटर होता है तो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं, तो वो न्यूट्रल होता है। पर गाइस, अगर मान के चलिए कि हमारे पास अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे मोर एच पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट होंगे। कौन से आयन ज्यादा होंगे, एच पॉजिटिव आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन। पर अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें मोर OH नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में होते ये दोनों ही आयन्स हैं, पर एसिडिक सॉल्यूशन में ज्यादा आयन कौन से होते हैं, H पॉजिटिव, और बेसिक सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, OH नेगेटिव आयन, क्लियर? गाइस, याद रखिएगा कि जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन इक्वल होता है। यहाँ पे हम H पॉजिटिव मेंशन कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन भी मेंशन करेंगे तो भी सही है। गाइस, आप दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन सिंप्लिसिटी के लिए यूज करा जाता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्लियर? अब गाइस, ये एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज्यादा अमाउंट में होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस, 1909 में एक डैनिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नेम था सोरेनसन। गाइस, इन्होंने एक स्केल को इन्वेंट किया जिसको कहा जाता है पीएच स्केल। कौन सा स्केल बनाया इन्होंने, पीएच स्केल, ठीक है? गाइस, यहाँ पे जो पी है इसके, इसमें जो ये पी है इसका मतलब होता है पोटेंस, और पोटेंस इसको जर्मन में कहते हैं, एंड पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस मींस क्या होता है, पावर। तो गाइस, यहाँ पे जो पीएच है इसका पूरे का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, H is for हाइड्रोजन, ठीक है? तो pH का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। गाइस, ये आप देख सकते हो, ये जो स्केल है दिस इज पीएच स्केल।
जो नॉर्मल पीएच स्केल होता है इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। अब देख सकते हो 0 से 14 तक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज पीएच वैल्यू, ये सारी पीएच की वैल्यू है। गाइस यहाँ पे पीएच स्केल में जो ये 7 नंबर है, ये 7 नंबर यहाँ डिनोट करता है न्यूट्रल को। 7 यहाँ पे क्या डिनोट करता है? न्यूट्रल को। गाइस अगर हम 7 से कम की तरफ मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। ठीक है गाइस, अगर हम 7 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, मींस एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा अगर पीएच की वैल्यू कम हो रही है तो। ठीक है, बट अगर हम 7 से राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो पीएच की वैल्यू बढ़ रही है। गाइस पीएच की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। तो याद रखिए अगर किसी का पीएच 7 है तो दैट मींस वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? एच पॉजिटिव इक्वल है ओ एच नेगेटिव के। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बट अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो एसिडिक जो नेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि अगर किसी की पीएच वैल्यू इस रेंज में आती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, अगर इस रेंज में आती है तो वो वीक एसिड होंगे। ठीक है, और अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो जो बेसिक नेचर है वो बढ़ रहा है, दैट मींस अगर ये रेंज आती है तो वीक बेस होगा, और अगर ये रेंज है तो दैट मींस वो सॉल्यूशन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है गाइस, ऐसे जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस एच पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ एच नेगेटिव आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर, अगर हम इधर बात करते हैं तो इधर क्या हो गया? ओ एच नेगेटिव आयंस इंक्रीज हो रहे हैं और एच पॉजिटिव आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो गाइस जो पीएच होता है, जो पीएच का स्केल होता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन है या फिर हाइड्रोनियम आयन है उसका कंसेंट्रेशन कितना होता है। याद रखिएगा कि जो पीएच होता है स्केल, ये मेंशन करता है हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसका कंसेंट्रेशन बताता है हमें एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर गाइस, देख सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जाता है। आपको पीएच की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको पीएच की वैल्यू से पता लगाना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, 7 से अगर कम नंबर है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर 7 से ज्यादा नंबर है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर, तो ये देखिए पीएच क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच स्केल। गाइस पीएच स्केल क्या होता है? जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की वो मेजर की जाती है एक स्केल पर जिस पर नंबर प्रेजेंट होते हैं, तो उस स्केल को कहा जाता है पीएच स्केल। तो गाइस ये हो गया नॉर्मल पीएच स्केल, रेंज कितनी होती है इसकी? 0 से लेकर 14 तक। क्लियर गाइस, जो पीएच होता है सॉल्यूशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे पीएच कम होता जा रहा है जो हाइड्रोजन आयन है इसका कंसेंट्रेशन बढ़ता जाता है, तभी तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो पीएच होता है याद रखिएगा कि वो इनवर्स होता है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के, क्योंकि जो पीएच स्केल होता है वो हमें बताता है कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन है
या फिर हम हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसका कंसेंट्रेशन कितना होता है। ठीक है, तो गाइस ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया पीएच का। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ये, सोरेनसन ने। ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस नॉर्मल इंडिकेटर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब बात आती है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो गाइस जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, ये एक टाइप की डाई नहीं होती, बल्कि डिफरेंट डाई का मिक्सचर होता है। इसका मतलब ये एक टाइप का इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि डिफरेंट इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, जो पीएच की हर एक वैल्यू पर डिफरेंट कलर देता है। तो देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाई व्हिच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। गाइस जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं डिफरेंट इंडिकेटर या फिर डाई कह सकते हैं, जो डिफरेंट कलर देते हैं पीएच की हर एक वैल्यू पर। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू चेंज होती जाती है, तो इनका कलर जो होता है वो भी चेंज होता जाता है। तो गाइस ये हो गया पीएच स्केल, जिसमें ये हो गई पीएच की वैल्यू। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो 7 नंबर होता है, ये डिनोट करता है न्यूट्रल को। ठीक है, तो गाइस अगर मान के चलिए कि पीएच की वैल्यू 1 के आसपास है, तो 1 के आसपास जो कलर होगा वो होगा रेड कलर, 3 के आसपास जो कलर होगा वो होगा ऑरेंज कलर, 5 के आसपास जो कलर होगा वो होगा येलो कलर, देन गाइस 7 पर ये देता है ग्रीन कलर, देन 9 के आसपास जो कलर होगा वो होगा ब्लू कलर, देन 11 के आसपास होगा इंडिगो कलर, एंड 13 के आसपास होगा वॉयलेट कलर। तो गाइस ये सारे डिफरेंट कलर होते हैं पीएच की हर एक वैल्यू पर, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ये वाले कलर देते हैं हर एक वैल्यू पर। अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं गाइस 7 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, मैंने आपको अभी बताया था। और अगर हम 7 से राइट हैंड साइड जाते हैं, तो ये डिनोट कर रहा है दैट बेसिक नेचर, जिसको एल्कलाइन नेचर भी कहते हैं, और एल्कलाइन नेचर भी लिख देती हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एल्कलाइन नेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे पीएच की आप देख सकते हो, जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जा रही है, जो कलर है वो भी चेंज होता जा रहा है। अब आप इस कलर को कैसे याद रखेंगे, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, विबग्योर। ये वर्ड आपको याद रखना है। गाइस विबग्योर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वी डिनोट कर रहा है वॉलेट को, आई डिनोट कर रहा है इंडिको को, ब्लू बी डिनोट कर रहा है ब्लू को, जी डिनोट कर रहा है ग्रीन को, येलो वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। हर एक कलर आ गए, बस यहाँ पे क्या है आपको उल्टा चलना है। ठीक है, तो ये कलर याद रखने हैं। अब गाइस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे जो 7 कलर है, ये रेनबो के कलर है, जो रेनबो के लगातार जो 7 कलर होते हैं वही कलर है यहाँ पे, ये चीज नोटिस करिए आप लोगों ने। तो अगर आपको रेनबो के 7 कलर याद है, वैसे तो याद ही होंगे, बट कुछ बच्चे हैं कि भूल गए होंगे, तो गाइस जो रेनबो के 7 कलर होते हैं वही 7 कलर यहाँ पर है, बस आपको ये वर्ड याद रखना है विबग्योर। तो बस अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो वही कलर आ गया विबग्योर। क्लियर, तो गाइस ये कलर याद रखिएगा कि हर एक जो पीएच की वैल्यू अगर चेंज होती जाती है तो कलर भी चेंज होता जाता है। मेनली यहाँ पे जो होते हैं वो एसिड होते हैं, ये एसिड होते हैं, 7 इज न्यूट्रल और यहाँ पर होते हैं बेस। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं इनमें जो कलर आता है वो थोड़ा लाइट कलर आता है, और जो बेस होते हैं आप देख सकते हो इनमें जो कलर आता है वो थोड़ा डार्क कलर आता है। गाइस अगर हम लिटमस की बात करते हैं, तो जो लिटमस होता है वो एसिड में कैसा कलर देता है, रेड कलर, तो आप देख सकते हो रेड एसिड में आ रहा है, और बेस में कैसा कलर देता है वो ब्लू कलर, तो ब्लू इज फॉर बेस, आ रहा है ना। तो याद रखिए कि जो एसिड सॉल्यूशन होता है उनमें लाइट कलर आता है, जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उनमें डार्क कलर आता है। क्लियर, तो ये वर्ड याद रखिए विबग्योर, और कलर को याद रखिए। क्लियर, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस
पीएच का हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। नॉर्मली हमें पता नहीं चलता, पर फिर भी पीएच का हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें इम्पोर्टेंस होता है। तो गाइस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस है ऑफ अ बॉडी वर्क्स विद इन पीएच 7.0 टू 7.8। गाइस, जो हमारी बॉडी होती है ये एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे वर्कआउट करती है, दैट इज 7.0 से 7.8 पर। प्लस इसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं एंड जो एनिमल बॉडी होती है वो भी इसी रेंज ऑफ पीएच पर वर्क करती है। तो याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच पे वर्क करती है, दैट इज 7.0 टू 7.8। देन नेक्स्ट है इन एग्रीकल्चर। गाइस, पीएच का एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सॉइल में ही ग्रो करते हैं। जैसे राइस है तो ये एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, शुगर केन न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करता है, एंड जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये बेसिक सॉइल में ग्रो करते हैं। तो गाइस, जो फार्मर्स होते हैं वो पहले सॉइल की फर्टिलिटी प्लस पीएच चेक कर लेते हैं कि जो सॉइल है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, फिर उसी हिसाब से वो पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करते हैं। देन नेक्स्ट है एसिड रेन। गाइस, एसिड रेन आप सभी ने सुना होगा, पर जो एसिड रेन होती है वो कैसे कॉज होती है? तो गाइस, एयर में डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो ये जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये रेन वाटर के साथ कंबाइन होकर एसिड फॉर्म कर लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब गाइस, जब ये एसिड फॉर्म हो जाते हैं तो ये एज अ रेन गिरते हैं, जिसको एसिड रेन कहते हैं। तो जो एसिड रेन होती है इसका जो पीएच होता है वो लेस देन 5.6 होता है, मतलब एसिडिक मीडियम की होती है। अब गाइस, जब ये एसिड रेन सॉइल पर गिरती है तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो एसिड रेन जो होती है ये रिड्यूस कर देती है सॉइल की फर्टिलिटी को, प्लस मराइन लाइफ को भी डैमेज कर देती है, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली रेन हो रही है तो वो वाटर बॉडी में भी जाएगी, जिसकी वजह से जो मराइन एनिमल्स होते हैं वो मरने लगते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो भी एसिड की वजह से डैमेज होने लगते हैं। क्लियर? तो गाइस, ये हो गई एसिड रेन। देन जो नेक्स्ट है वो है मेडिसिन। तो गाइस, पीएच का इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिसिन में भी, क्योंकि कुछ जो डिजीजेस होती हैं वो डायग्नोस की जाती हैं ब्लड एंड यूरिन का जो पीएच होता है उसके बेसिस पर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट होता है और यूरिन का टेस्ट होता है, तो उसमें वो ब्लड एंड यूरिन का पीएच भी चेक करते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है, मींस कितना पीएच है। तो इस उस हिसाब से जो डिजीज होती है वो डायग्नोस की जाती है। तो देखिए, सर्टेन डिजीज आर डायग्नोस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड एंड यूरिन। तो गाइस, कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो यूरिन एंड ब्लड की पीएच वैल्यू पर ही डायग्नोस की जाती है। तो मेडिसिन में भी पीएच का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन नेक्स्ट है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। गाइस, हमारे स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर? अब जो हमारा स्टमक है उसमें एसिड सिक्रीट हो रहा है। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है तो गाइस उस केस में स्टमक में पेन होने लगता है, प्लस बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है। तो उस केस में क्या लिया जाता है? बेस लिया जाता है, दैट इज एंटा एसिड, और वो भी कौन सा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। गाइस, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH होल ट्वाइस होता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये एक एंटा एसिड होता है। ठीक है, एंटा एसिड का मतलब होता है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि ये बेस होता है और जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो जब हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो उस केस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है जो कि बेस होता है, तो ये एसिडिटी को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर? देन नेक्स्ट है इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके। गाइस, जब हम लोग बहुत ज्यादा चॉकलेट्स या स्वीट खाते हैं, आप मुझे पता है आप सभी को चॉकलेट्स बहुत पसंद होगी और आप सभी खाते होंगे। तो गाइस, जब चॉकलेट्स एंड स्वीट खाते हैं तो उस केस में क्या होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिग्रेड करने लगते हैं। ठीक है, और जो टूथ है उसमें डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है और पेन होने लगता है। गाइस, इस केस में क्या होता है? जो टूथपेस्ट होता है वो यूज किया जाता है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है उसमें बेस प्रेजेंट होता है, बेसिक होता है वो, तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज
करता है, क्लियर। तो जो पीएच होता है ये टूट डिके को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब हमें वैल्यू पता होगी कि इतना ज्यादा एसिडिक है तो इस हिसाब से जो टूथपेस्ट होता है वो यूज किया जाता है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो बेस होता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। देन जो लास्ट है, बी स्टिंग्स लीव एसिड इन द बॉडी देन बेकिंग सोडा इज यूज्ड। गाइस जब हनी बी काट जाती है तो उस केस में वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट करती है, वो भी फॉर्मिक एसिड। तो गाइस जब एसिड हमारी बॉडी में जाता है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उस केस में उस एरिया पर बेकिंग सोडा लगाया जाता है, क्योंकि गाइस जो बेकिंग सोडा होता है ये बेस होता है तो ऑब्वियसली एसिड को बेस ही न्यूट्रलाइज करता है, तो उस एरिया पे बेस लगाते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। तो जो एसिड नेचर होता है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होने लगता है और जो पेन होता है उसमें रिलीफ मिलता है, क्लियर। तो गाइस ये सारे इंपॉर्टेंस होता है पीएच के हमारी डेली लाइफ में, तो इन्हीं सब इंपॉर्टेंस को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।